CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम कबूतर और मुर्गा। आलेख ब्रिज बल्लभ मिश्र का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू जी कुकड़ू कू की बांग लगाता रोज सुबह उठकर चिल्लाता। बच्चों जानते हो कौन है जो सुबह ही सुबह कुकड़ू कू करके बांग लगाता है? हाँ मुर्गा। जानते हो ये कहाँ से आया? नहीं मालूम तो सुनो। बहुत पहले की बात है, दुनिया बनी, पेड़ पहाड़ और नदियां बनी, जीव जंतु बने, पशु पक्षी बने और आदमी बने। सबके रहने के लिए अलग अलग लोग बने। उस समय मुर्गा जहाँ रहता था उस जगह का नाम था पक्षी लोक। उस पक्षी लोक में बहुत तरह के पक्षी रहते थे, कौवा, गोरैया, कोयल, तोता, चील। मुर्गा और कबूतर भी वहीं रहते थे। सारे पक्षी तो करते थे काम, मगर मुर्गा और कबूतर चालाक थे। कुछ काम नहीं करते, सारा दिन मटर गश्ती किया करते। एक दिन एक बूढ़े पक्षी ने मुर्गे और कबूतर से कहा, काम नहीं कुछ करते हो, बस सारा दिन चुगते हो। मत हम सब का नाम डुबाओ, मेहनत करके खाना खाओ। आदत नहीं बदल सकते तो दूर यहाँ से तुम हो जाओ। जाओ, मैं नहीं करता कुछ काम वाम। ओ, 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 ओ। भाई कबूतर, तुम सारे दिन गुटरगू करते फिरते हो, ना काम ना धाम, सारे दिन मटर गश्ती करते हो। बूढ़े पक्षी की बात सुनकर कबूतर ने पहले तो लाल लाल आंखों से बूढ़े पक्षी की ओर देखा, फिर गर्दन फुलाकर चल दिया और पास में खड़ी कबूतरी के साथ नाचने लगा। बूढ़े पक्षी को बहुत बुरा लगा। उसने अगले दिन सारी बात पक्षियों की पंचायत में जाकर कही। पंचायत में विचार हुआ। पंचायत का हुआ फैसला, दोनों को धिक्कारा, मुर्गा और कबूतर मुलजिम, दोनों को फटकारा।
पक्षी लोग छोड़कर अब तुम और कहीं भी जाओ। काम चोर हो अरे निकम्मो, दर दर ठोकर खाओ। पंचायत के फैसले के बाद मुर्गा और कबूतर मुंह लटकाए पक्षी लोग छोड़कर चल दिए और घूमते घूमते एक दूसरे लोक में पहुंचे। अब वे मनुष्य लोक में पहुंच गए थे। जैसे ही वो मनुष्य लोक में घुसे उन्हें एक चौधराइन मिली। चौधराइन ने देखा कि दो पक्षी बड़ी शान से मटर गश्ती करते हुए चले आ रहे हैं। चौधराइन ने कहा, अरे क्यों भाई, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? यह तो मनुष्यों का लोक है, तुम तो मनुष्य नहीं हो। गुटरगू, ए चौधराइन, मेरा नाम कबूतर है और मेरे साथी का मुर्गा। गुटरगू, हमें हमारे साथियों ने पक्षी लोक से निकाल दिया है। गुटरगू, क्योंकि हम काम नहीं करते थे, सारा दिन मस्ती से घूमते थे। गुटरगू, आए? अरे तो तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो हर आदमी काम करके रोटी खाता है। काम काम काम, जहाँ देखो काम काम, हम नहीं करते काम। हो नहीं करते? अरे मूर्खो, यहाँ लोगों को तुम्हारी इस आदत का पता लग गया तो यहाँ के लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। जान से मार डालेंगे। चौधराइन की बात सुनकर मुर्गा और कबूतर बहुत डर गए। सोचने लगे कि पक्षी लोग में काम नहीं करते थे तो उन्होंने हमें निकाल दिया, यहाँ काम नहीं करेंगे तो चौधराइन कहती है लोग मार कर खा जाएंगे। चौधराइन की बात से डर कर मुर्गा और कबूतर दोनों जंगलों में भाग गए। वे आदमी से छिप छिप कर जंगलों में परसों भटकते रहे। खाने को तो कुछ था नहीं। जब मुर्गे को भूख लगती तो वह मिट्टी कीचड़ से छोटे छोटे कीड़े बीनकर खा लेता, और इसी तरह कबूतर भी कुछ ना कुछ ढूंढकर पेट भरता। जब दोनों कीड़े और कंकड़ खा खा कर परेशान हो गए तो रोते रोते वो फिर चौधराइन के पास पहुँचे। अरे क्यों भाई, आज क्यों रो रहे हो? हमें सहारा दीजिए, दया धर्म कुछ कीजिए। मेहनत कर दिखलाएंगे तब हम रोटी खाएंगे। अच्छा अच्छा, पहले यह तो बताओ कि क्या क्या काम करोगे? चौधराइन जी, मैं रोज सुबह अंधेरे में ही बांग देकर दुनिया के लोगों को जगाता रहूंगा। सर्दी गर्मी या बरसात कोई भी मौसम हो, मैं बांग जरूर दूंगा। उठकर बांग लगाऊंगा, सोते लोग जगाऊंगा। बस एक ही काम, इतने से काम के लिए तुम्हें कौन सहारा देगा? कुछ और काम बताओ। तो चौधराइन, मेरी मुर्गी रोज एक अंडा देती रहेगी, वो अंडा आप खाने के काम में ला सकती है। तो सुनो, हम तुम्हारे लिए एक बाड़ा बनवाए देते हैं, उसमें रहना। तो क्या
अंडे में कैद रहेंगे। अरे भाई, खुले में अंडे दोगे तो कोई भी उसे तोड़ देगा, बच्चे गेंद समझकर खेलने लगेंगे। बाड़े में बंद रहने से अंडे टूटेंगे नहीं। तो मुर्गी का काम होगा अंडे देना। और हाँ भाई कबूतर, अब तुम बोलो, तुम क्या काम करोगे? गुटरगू गुटरगू गुटरगू। चौधराइन जी, मैं आसमान में उड़ान मारकर ठिकानों को पहचान लेता हूँ। गुटरगू। इसका क्या मतलब? गुटरगू, मैं चाहे 4 दिन तक आसमान में उड़ता रहूं, पर लौट कर वहीं आऊंगा जहां मुझे मेरा दाना चुगाने वाला मिलेगा। गुटरगू। और सुन, अगर पड़ोसी तुम्हें लालच देकर लुभाएं और अपने पास बुलाएं? गुटरगू गुटरगू गुटरगू, मैं लालची नहीं हूं जी, एक का ही होकर रहता हूं। जिस जगह को अपना ठिकाना बना लेता हूँ, उसे कभी नहीं छोड़ता। गुटरगू गुटरगू। हम तुम्हें चुगने को दाना दें तो तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे? कभी नहीं। गुटरगू गुटरगू, हमेशा आपका, बस आपका होकर रहूंगा। गुटरगू। ये अच्छी बात है कि तुम एक के ही होकर रहते हो। दाना चुगो, खूब उड़ो और अपने पंखों की हवा हम लोगों को खिलाते रहो। गुटरगू गुटरगू, सो तो होगा ही। तो ठीक है, आज से तुम हमारे साथी हो गए। गुटरगू गुटरगू। तुम्हें खाना क्या पसंद है? गुटरगू, मुझे मोटा अनाज बहुत पसंद है। गुटरगू गुटरगू, जैसे ज्वार, बाजरा, सरसों, मक्का या गेहूं। गुटरगू गुटरगू। और मुर्गे, तुम्हें? मैं तो बड़ा सीधा हो गया हूँ अब। आप चाहे अपनी जूठन फेंक दे, चाहे गेहूं बाजरा खिला दे, कुछ ना हो तो मैं घूरे पर पड़े कूड़े करकट में से ही अपना भोजन खोज लूंगा। तो हमारे लोक में चैन से रहो और मस्त होकर नाचो गाओ। अब तुम्हें यहाँ डरने की कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे साथी हुए। कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, कुकड़ू कू जी कुकड़ू कू, कुकड़ू कू की बांग लगाता, रोज सुबह उठकर चिल्लाता। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।